वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रम विच। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये खड़ा हूँ मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ये रहा मेरा बैकपैक। और आज फिर से तैयारी है, वो हमारी तैयारी है एक नई जर्नी की। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो है ओल्ड दिल्ली से हमारी है सीधा सहारनपुर, जिसका ट्रेन नंबर है 14522 14522। और ये जो गाड़ी है 14521, जो कि सुबह 6 बजे अम्बाला से चलती हुई वापस दिल्ली आती है, और दिल्ली से ही है अभी वापस हो जाएगी सीधा सहारनपुर होते हुए अम्बाला, क्योंकि ये ट्रेन वैसे फजिलका बनकर जाती है, लेकिन आजकल जो फजिलका की जो ट्रेन है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी ट्रेनें जो है किसान आंदोलन की वजह से रद्द हैं, इसलिए जो यही वाली ट्रेन जो है 14521 यहीं से 14522 होते हुए वापस मेरठ से होते हुए आपका सहारनपुर और अम्बाला चली जाएगी। तो आज की अपनी जर्नी शुरू करते हैं सहारनपुर के लिए, चलिए शुरू करते हैं जी। हर बार की तरह मैं अंदर आ गया हूँ, घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:06। ये हैं जी हमारे राष्ट्रपिता बापूजी, और इधर से लगे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैंने जो है प्लेटफॉर्म के अंदर जो अंदर है एंट्री कर ली है, अंदर मैं आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 में जा रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बार बता दूँ कि मैं ऑलरेडी जो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर के देख ली, चैनल पर है। और इधर से मैं एस्केलेटर लेते हुए सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे जाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14, और जो प्लेटफॉर्म नंबर जो 14 और जो 15 है वो सबसे आखिरी में पड़ता है कश्मीरी गेट की साइड पे। तो चलिए सीधा आपको सीधा प्लेटफॉर्म पे जाकर मिलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया 14522 प्लेटफॉर्म नंबर 15 ये ट्रेन जो है ये आ गई है, प्लेटफॉर्म पे लग रही है। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है, ज़रूर बताएं। और 1:15 पे ये ट्रेन, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्योंकि काफ़ी आवाज़ है, 1:15 पे यही ट्रेन 14521 बन करके गाज़ियाबाद मेरठ होते हुए सहारनपुर जाएगी, और एंड में जो इसका जो स्टेशन है वो है अम्बाला। तो चलिए सीट मिलने के बाद मैं आपको मिलता हूँ, सारी बात करता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीट मिल गई है। तो ये जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस ट्रेन के बारे में, इस ट्रेन में जो है 2 स्लीपर क्लास और 1 AC का क्लास लगा हुआ है, बाकी के सारे जो कोचेज़ हैं वो अनरिजर्वड हैं, तो आप आराम से इसमें सफ़र कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ज़रा ध्यान से सुन लें, ये ट्रेन नंबर है 14521। आम दिनों में जब किसान आंदोलन नहीं था तो ये ट्रेन जो है फजिलका एक्सप्रेस 14508 बन के जाती है, पानीपत अम्बाला होते हुए पटियाला और आगे फजिलका, लेकिन अभी किसान आंदोलन की वजह से ये ट्रेन जो है 14521 बन करके जाएगी सीधा गाज़ियाबाद और मेरठ होते हुए सहारनपुर, उसके बाद अम्बाला। तो आज की जो जर्नी जो है मेरी वो है सहारनपुर की। और ट्रेन जो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल पड़ रही है। तो अब इसका जो अगला जो स्टेशन है वो है शाहदरा। बरेली भुज, आला हजरत एक्सप्रेस।
हैं लाल किला की दीवारें। अब जो है ये जो ट्रेन है ये ओल्ड जो है आयरन ब्रिज जिसको हम लोहे वाला पुल बोलते हैं यमुना के ऊपर, उसके ऊपर जाने वाली है। और ये बहुत ही पुराना यमुना का ब्रिज है रेलवे का। यमुना पुल, यमुना ब्रिज, इसके नीचे से जो है ट्रैफिक जाता है और सबसे नीचे से यमुना, फिर ट्रैफिक, फिर रेलवे। दिल्ली शाहदरा जंक्शन, यहाँ पर इस गाड़ी का जो है 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन जो है यहाँ से चल रही है। अब जो इसका जो अगला स्टेशन है वो है गाजियाबाद। हरिद्वार दिल्ली सहारनपुर अनारक्षित एक्सप्रेस। दिल्ली से 20 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है ये आ गया है गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो हॉल्ट है वो है 2 मिनट का। दो मिनट के होल्ड के बाद गाजियाबाद जंक्शन से भी जो है ट्रेन निकल गई है। और यहाँ पर जो ट्रेन जो है काफ़ी रश चढ़ा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी रश है। दिल्ली से जब ट्रेन चली थी या शाहदरा से चली तो खाली थी, और यहाँ देखिए अब बहस बजनी शुरू हो गई है। तो अब जो ट्रेन जो है अभी राइट टाइम ही चल रही है। गंग नहर तो फैमिली मेंबर्स मिल गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। और मैं इनसे करा चुका हूँ चैनल को सब्सक्राइब, और अब आप करें, हमने कर दिया है, आप करें। तो ये भैया लोग ये कह रहे हैं, बच्चा लोग, कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें। तो ठीक कह रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल के ऑप्शन में जाकर टिंग करें, ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। दिल्ली से 48 किलोमीटर चलने के बाद, 48 किलोमीटर के बाद जो ट्रेन है वो पहुंच गई है मोदी नगर,
यहाँ पर भी इसका जो है 2 मिनट का हॉल्ट है और ये 15 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर पहुँची है मोदी नगर में। ये जो आप ऊपर जो ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये रैपिड रेल है जो कि दिल्ली से चल कर के मेरठ तक के लिए रैपिड रेल की ये लाइन है, ये वाली इसे बोलते हैं NCRTC मेरठ सिटी जंक्शन मेरठ नगर। यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो हॉल्ट है वो 2 मिनट का है, इसके बाद आएगा मेरठ कैंट। मेरठ कैंट मेरठ छावनी, यहाँ पर भी जो ट्रेन का जो है वो 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन जो है अभी भी 15 मिनट देरी के साथ मेरठ छावनी मेरठ कैंट पहुँची है। सकोती टांडा, यहाँ पर भी इस ट्रेन का जो है 2 मिनट का होल्ट है। दो मिनट के होल्ट के बाद ट्रेन जो है यहाँ से चल दी है। अब जो इसका अगला जो स्टेशन है वो है खतौली। जो लोग नांगली धाम आना चाहते हैं वो सकोती टांडा में उतर करके नांगली धाम में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से जो नांगली धाम है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। श्री गुरु मंदिर नांगली साहिब जाने के लिए आपको इसी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा सकोती टांडा में, अगर लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं या पीछे खतौली या हरिद्वार से आ रहे हैं। दिल्ली से 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन पहुँच गई है खतौली और 10 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँची है खतौली। यहाँ पर भी जो इसका जो है ट्रेन का 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है और खतौली जो है वो जाना जाता है यहाँ के गन्ना किसानों के लिए और यहाँ की जो है शुगर मिल। अगर आपको पता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अगर मैं करेक्ट हूँ तो तब भी आप बताएं, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तब भी आप मुझे ज़रूर बताएं। खतौली, अब इससे अगला जो स्टेशन है वो है मुजफ्फरनगर। अपना ट्रेन का 123 किलोमीटर जर्नी जो है वो यहाँ तक हो जाती है मुजफ्फरनगर तक और जो गाड़ी जो है 10 मिनट के डिले के साथ चल रही है और यहाँ पर जो ट्रेन का जो हॉल्ट है वो लगभग 5 मिनट का है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन में जाकर टिंग कर लें, ऐसी वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। अब जो इसका जो अगला जो स्टेशन है वो है देवबंद। तो ट्रेन का जो मुजफ्फरनगर में जो था वो 5 मिनट का हॉल्ट था, अब जो ट्रेन जो है वो 5 मिनट होल्ड की वजह से अब ये 15 मिनट लेट हो चुकी है यहाँ पे। अब इसका जो अगला जो स्टेशन है वो है देवबंद और शुक्रताल जाने के लिए भी यहीं पर आपको उतरना पड़ता है शुक्रदेव महाराज के दर्शन करने के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर है मुजफ्फरनगर से शुक्रताल।
देवबंद स्टेशन, यहाँ पर भी जो है ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और सामने से जा रही है इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस। किसान आंदोलन की वजह से कई गाड़ियों का जो रूट है वो डी रूट कर दिया गया है। दो मिनट के होल्ड के बाद ट्रेन जो है यहाँ से चल रही है। और सामने जो ये इंदौर अमृतसर जो एक्सप्रेस है, जो अमृतसर से आ रही है, जो मैंने बताया है डाइवर्ट होकर आई है, ये 8 घंटे लेट चल रही है। 8 घंटे 5 मिनट, ये जो सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं ये चल रही है 8 घंटे 5 मिनट लेट। और अगला जो स्टेशन है वो है सहारनपुर, और वहाँ पर मैं उतर जाऊँगा। चलिए सहारनपुर में जा कर के आपसे बात करता हूँ। ये जो सामने आप जो ये लाइन देख रहे हैं ये जा रही है सीधा हरिद्वार के लिए। इस जगह का नाम है टपरी जंक्शन। और बैरी जो ये ट्रेन जो है वो हो गई है सहारनपुर की लाइन। घड़ी में हो रहे हैं 4:45 और जो ये ट्रेन जो है ये पहुंच गई है 181 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद सहारनपुर जंक्शन। सहारनपुर को जंक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो जा रही है देवबंद होते हुए वही अपना मेरठ गाज़ियाबाद, और एक लाइन जो है यहाँ से जा रही है हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, और जो एक लाइन है वो है जमुनानगर जगाधरी होते हुए सीधा अम्बाला, इसलिए इसको सहारनपुर जंक्शन बोला गया है। तो होप करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिखाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पर जाकर टिंग कर लें। मैं ऐसी वीडियो लेकर ही आता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।